हेलो दोस्तों, गार्डनिंग एरा 2.0 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रोए प्लांट की केयर कैसे करें। आज की वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही सपोर्ट दीजिए। बहुत ही जल्द इससे भी अच्छा कंटेंट मैं आपको दूंगा। तो चलिए रोए प्लांट में के केयर के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये कुछ मेरा 2 साल पुराने रोए प्लांट का पौधा है। आप देख ही सकते हैं कि फ्लावरिंग भी हो रही है और न्यू नीचे से पौधे भी उगा रहे हैं। तो ये बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला पौधा है और आपके गार्डन को बहुत अच्छी शोभा देता है। कुछ इस प्रकार उसमें प्लांट्स आते हैं, तो आप ये दूसरे पॉट में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात, जो ये आपको सूखी पत्तियाँ दिखती हैं वो टाइम टू टाइम निकाल दीजिए, उससे भी आपको पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा और सुंदर भी दिखाई देगा। पॉट का कुछ ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं होती, कम छोटे से पॉट में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है। और फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँ तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। 2-3 महीने में एक बार ओनियन पील फर्टिलाइज़र या कौन सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दोगे तो बहुत ही अच्छे तरह से ग्रो करेगा। और लगाते समय काउडंग कंपोस्ट का यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा है। मगर आपको एक ध्यान रखना है कि बारिश के दिनों में इसके पॉट में ज़्यादा पानी ना रहे, उससे पौधा ख़राब हो सकता है। थैंक यू।